Hi guys and welcome to YouTube channel of Institute of Sciences Sage University Indore. From today onwards, I will bring a fictitious crime story for you in which I will be making two parts, where in the first part I will share a crime story with you and in the second part, there will be a session in which I will be telling you about the forensic aspects in that crime story, and together we will solve that crime. First of all, I would like to introduce myself to you. I am Bhavesh Mali, and from Institute of Sciences Sage University Indore, I am pursuing a bachelor's degree in forensic science. So here we start our first story, और हमारी पहली स्टोरी का नाम है गला घोट करके हत्या। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी है साक्षी की स्टोरी, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि साक्षी के साथ क्या हुआ और उसे कैसे मारा गया। साक्षी, जो कि पढ़ने में बहुत ही होनहार लड़की थी, वो अपनी 12th कंप्लीट कर चुकी थी और अब अपने नए सफ़र पर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। वह बोलती बहुत अच्छा थी और इसीलिए वो सेंसफोर्ड यूनिवर्सिटी मुंबई में जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए जा रही थी। इस सफ़र में उसके साथ उसकी एक क्लासमेट भी थी जिसका नाम था मधु। वो भी सेम यूनिवर्सिटी से सेम कोर्स करने जा रही थी। मधु पढ़ने में एवरेज थी। दोनों के मार्क्स कंपेयर करें तो साक्षी स्कूल की टॉपर बनी 97.8% से और मधु को मिले 74%। दोनों में दोस्ती तो थी, पर साक्षी हमेशा मधु को ताना कसती रहती थी और मधु चुप रह करके गुस्से में सारे ताने सुन लेती थी। आज साक्षी और मधु दोनों ही खुश थे क्योंकि उनकी एडमिशन उस कॉलेज में कंफर्म हो गई थी और दोनों को रहने के लिए पास पास में ही पीजी मिल गए थे। यूनिवर्सिटी के पहले दिन दोनों खुशी खुशी यूनिवर्सिटी जा रहे थे कि अचानक उनके सामने यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर आकर एक गाड़ी रुकी, जिसमें से अभय बाहर आया। अभय मुंबई के मशहूर पॉलिटिशियन का बेटा था और वो भी सेम कोर्स के लिए वहाँ एडमिशन लेने आया था। उसने गाड़ी को उनके सामने रोककर उन्हें बदतमीजी से बात करी। साक्षी इन बातों से अनजान थी और अपना रास्ता रोकने पर और बदतमीजी से बात करने पर वह अभय पर भड़क गई और दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस इस चरम सीमा तक पहुँच गई कि वह लड़ाई में तब्दील हो गई और साक्षी ने अभय को कस के एक चांटा मारा और उसकी गाड़ी के फ्रंट ग्लास को पत्थर से तोड़ दिया। इतना नहीं, इसके बाद जब मधु ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उसे भी 3-4 बातें सुना दी और पहले की ही तरह उसे ताने मारे। पहला दिन तो साक्षी के लिए बहुत बुरा था, पर जब वो घर गई तो थोड़ी ही देर के बाद उसके रूम पर किसी ने नॉक किया। साक्षी ने आवाज़ लगाई, कौन है, पर रिप्लाई नहीं आया। साक्षी ने दरवाज़ा खोला तो वो हैरान थी और गेट पर खड़े इंसान को अंदर आने का बोला और वो बहुत खुश लग रही थी। उस इंसान ने साक्षी से पानी लाने को बोला, वह पानी लाई। फिर उस इंसान ने साक्षी को उसकी तरफ से लाया हुआ जूस बॉटल ऑफर किया और जब साक्षी जूस के लिए ग्लास लेने गई तो उसने उसमें कुछ मिला के साक्षी को पिला दिया। साक्षी अनकॉन्शियस सी होने लगी और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, पर वो कुछ कहती उससे पहले उस इंसान ने बेल्ट से उसका गला दबाने की कोशिश की, पर साक्षी ने अनकॉन्शियस होते हुए भी हिम्मत नहीं हारी और बचने की कोशिश करने लगी, पर अफसोस कि बच नहीं पाई क्योंकि इंसान ने सबसे पहले उसका मुंह बंद कर दिया। करीब 1 घंटे के बाद वो इंसान तो चला गया, पर साक्षी के साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। यहीं पर हमारी स्टोरी होती है एंड,
और आपके लिए छोड़ जाती है एक सवाल कि साक्षी को किसने मारा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साक्षी को किसने मारा और हम थोड़ा बहुत समझेंगे फॉरेंसिक साइंस के बारे में और क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो चलिए बाय बाय। बाय कहने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।